में करेंगे हम ट्रैवल टू गोवा बागा बीच। गोवा वाले बीच पे फोटो हम जा रहे हैं गोवा। भैया समुंदर आ गया है, इसके दादिया के पीछे देखो भाई बड़ा वाला समुंदर। क्या बात, अरे भाई आ गया समुंदर, नीला नीला समुंदर, प्यारा ही समुंदर। देखिए गाइस हम पहुंच चुके हैं। ये सारे विलास बने हुए इधर, देखो ये एरिया है जहाँ पे हमने अभी रूम बुक कराया है। यहाँ पे सिर्फ अभी एक दिन के लिए बुक कराया है, अगर समझ आया तो आगे स्टे करेंगे इधर ही, नहीं समझ आया तो देखेंगे कुछ और। आज देखते इसका कैसा है कैसा नहीं है। बज चुके हैं 3:12, 3:12। इसमें हम आए हैं, सब उतर रहे हैं अभी, देखते हैं अंदर से कैसा है। चलो का नजारा जो कि है बहुत ही प्यारा, देखो पीछे स्विमिंग पूल चेक मारते हैं भाई साहब। वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल पाथ, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये है स्विमिंग पूल, तो करते स्विमिंग पूल करेंगे, डूब जाएंगे इसके अंदर, कैसे डूबेंगे ये देखिए भैया सब नारे दादी है, पक्का पर्सनल स्विमिंग पूल हो जाएगा इधर। यहाँ पे सब नहा रहे हैं, मतलब होटल का ही पर्सन कह सकते हो आप, खुद खा नहीं कह सकते। बहुत प्यारा बात लग रहा मुझे, ये काम हाँ बहुत प्यारी हवा आ रही है। अभी कैसा लग रहा आपको? ये रूम का नजारा है और ये बालकनी का नजारा है, और ये बहुत ही प्यारा नजारा है हमारी ही बालकनी से। ठीक है चलो आगे देखते हैं, क्यूट है, आई लाइक इट। अच्छा इधर भी विंडो है, मैंने देखी होगी, सही है, नाइस। ये वॉशरूम है और ये भी सेम बालकनी व्यू है, ये जो था व्यू होगा पीछे का, ये देखिए बिल्कुल डिटो, नाइस सिटिंग एरिया। ठीक है तो भाई हम आ रहे हैं स्विमिंग पूल में, सबके सब एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी स्विमिंग पूल में जाने वाली हूँ। वाओ रात में गोवा क्या बजा रहे हैं, रात में वागा बीच भाई साहब क्या सुंदर नजारा है, इसका साउंड चेक मारो आप, वाओ बहुत ही प्यारा है। वाओ देखो 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 पानी आ रहा है, और ये वाओ इसका साउंड बहुत प्यारा लग रहा है, रात में भी समुद्र का देखने का अलग ही मजा है सच में भाई साहब, नाइट व्यू बस ये पूरे बीच के मौसम लिए है। हमारे होटल के नियर बाय प्लेस, मतलब जो एरिया है जिस एरिया में रुक रहे हम, बहुत ही प्यारा सा है, काइंड ऑफ सोसाइटी टाइप है। थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर कि 6 बजे तक स्विमिंग पूल में जाना है, लाउड म्यूजिक नहीं चलाना है, तो अगर आप पार्टी के हिसाब से आ रहे हैं तो ऐसे एरिया चूज ना ही करें गोवा में, अदरवाइज फॉर पीसफुल दिस इज रियली गुड। Who needs speed? They can come.
दैट काइंड ऑफ एरिया विच इज सुटेबल फॉर यू सी ब्यूटीफुल हाउस देयर नाइस एरिया। देखिए गाइज हमने यहीं पे अपना ब्रेकफास्ट बना लिया, मम्मी भी चाय बना लिया और गर्म कर रहा है सारा नाश्ता तो प्योर मैंने बनाया है। ये इंडक्शन चूल्हा है जिसपे मैंने ऑमलेट बनाने की कोशिश की थी और वो बन चुका है भुर्जी सी। यहाँ पे बैठ के मजे से आप नाश्ते करके नजारा ले सकते हो। आई तो नया ने बनाई है। कैसी बनी है? बढ़िया। सही पक्का? चलो बढ़िया है। ये मम्मी ने दूध डाला उसे। ये मेरा भुर्जी वाला ऑमलेट। और ये रूम का रेंट 2000 ओनली, जिसमें आपको किचन फैसिलिटीज और वॉशिंग मशीन फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं। फैमिली पैकेज के लिए फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छा है ये। वी आर रेडी फॉर सेकंड डे एंड वी आर गोइंग, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। हमने किया है पूरी फैमिली के लिए, चलो चलते हैं। गाइस वी आर रेडी फॉर गोइंग सेकंड डे ट्रिप, लेट्स सी हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। देविंदर बताइए आपका प्लान है आज क्या घूमने वाले? हम जाएंगे पूरा नॉर्थ गोवा के अंदर, बागा बीच, कलंगुट और सिंकरियम सारे इसके सारे बीच घूमेंगे। ठीक है। और टाइम ट्रेवल कितने बुक किया आपने? ये हमने किया 4000 के अंदर। वैसे तो आता है अपना 17 सीटर, लेकिन अपने 20 सीटर मिल गया किस्मत से। क्या बोलते भाई, फुल डे के लिए 4000 रुपीज, 20 गोवा मैन, गोवा मैन, ये 20 सीटिंग। देखो बढ़िया है, बिल्कुल सब फैल के बैठेंगे। ये हमारे ड्राइवर जी आगे किस्मत से 20 सीटर होगी। ठीक है, एंजॉय करते हैं। आधा किला जैसे हाईवे सब के सब भीड़ लगी हुई है। काफी अच्छा टिकट है भाई, टिकट है, टिकट चेक मारते हैं उगाड़ा फोर्ट के है सामने। ये है टिकट काउंटर के लिए और टिकट की डिटेल्स ये रही। सुबह 9 से 30 मतलब 5:30 बजे तक खुला हुआ है और 25 रुपीज़ है नॉर्मल, और बाकी 4 रुपये छोड़ देंगे। ठीक है, ये है भैया घोड़ा फोर्ट की दीवारें जो ही बड़ी काली काली। ये हमारा कनिष्क पानी और ये है रास्ता और ये है हमारा क्यूटी पाई। हरी गुच्ची आ जाओ। ये है मेरे बड़े दीदी जीजू जो बहुत टाइम से रहते हैं सबसे लेट आने में। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है लेकिन ये भी लेट ले, हमेशा नहीं और मेरे वजह से भी तेरी दीदी हमेशा नहीं होता है। ओए होए 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 सच में? नहीं मेरी वजह से तो नहीं भाई, फिर किसकी वजह? आज हमने खूब तसल्ली से अच्छे बहुत भी बढ़िया टेस्टी नाश्ता किया, मजा ओए बहुत बढ़िया। नीला समुंदर, नीला आकाश, प्यारा मौसम, मतलब लगे ही है मौसम, मजा ही आ रहा है कतई जहर। यहाँ से दूर से बोटिंग बोट भी जा रही है, आपको पता नहीं इसमें दिखाई देने तो जो एक्चुअल में दिखाई देता है ना वो शायद कैमरे में कैद हो भी ना पाए, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा हो कैद कर सके, अच्छे से दिखा सके। ये देखो आप, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा नीला समुंदर, देख के अलग ही मजा आ रहा है। आई लव एवरीथिंग एंड आई लव गोवा, इट्स ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल।
इसका जो शांत है बहुत प्यारा लगा। ये हम आ गए कोको बीच, मम्मी ने ले लिया अमेरिकन झंडा। नजारा हमारा बियर उससे सजा रखा है, बियर वाला पेड़। देखो यहाँ पे, यहाँ पे पेड़ों पे बियर उगती है। That's why it's called Goa. That's why it's called Goa. बियर वाला पेड़। ये है कोको बीच, हम आ गए हैं कोको बीच पे। कोको बीच के पास में ही बड़ा प्यारा सा मंदिर है, तो हम ये देखने जा रहे हैं श्री देव विश्वनाथ मंदिर। ये किनारा आगे निकालेंगे तो प्यारी जगह, तो कोई खेत है यहाँ पर। तुम हो वाला गाना बना सकते हो। कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा। फिर एंजॉय करोगे? बहुत बढ़िया, चलो चलिए। वाह, ये देखो आप, ये सामने शिवलिंग अभी शायद बन रही है। यस, कितनी प्यारी लग रही है। जय भोलेनाथ। हम आ गए कलंगुट बीच पे। ये देखो प्यारी प्यारी रेत, प्यारा प्यारा मौसम, प्यारी प्यारी वादियाँ, और ये है प्यारा प्यारा गोवा। वो देखो समुंदर, प्यारा प्यारा इन्फिनिटी, बहुत ही प्यारा नजारा। यह है कलंगुट बीच। अजीब से नाम है, मेरे को तो बोलने भी नहीं आता ढंग से। देखो आप समुद्र की वेव सिखाते हैं आपको, कितनी तेज है, बहुत मजेदार है एक नंबर। ये देखो भाई क्या ही खतरनाक फेस है भाई, हम समुद्र के बीच में आ चुके हैं, समुद्र के बीच में आ चुके हैं। अभी बीच में तो जगह ही नहीं, बीच में गए तो वही खराब हो जाएगा काम। बहुत तेज ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा तेज ले रहे हैं भाई साहब, बंदा पार कर जाए। वो देखो, वो देखो जिस फ्लो में फ्लो हो जाओ भाई साहब, क्या ही प्यारा नजारा। वाओ, लुक एट द वेव। मैं तो ना रहा हूँ, मजा आ रहा है, तो बड़ा ही कैसे लगा भैया? मजा आ गया, ले रहे बहुत तेज तेज आ रही है, डेंजर है मनीष जी, बहुत मजा आ रहा है लहरों में, बहुत मजा आ रहा है लहरों में, चलते हैं लहरों में। आओ लहरों में लेके चले आपको थोड़ा सा, थोड़ा हम भी गीले होने सुरपुर बने। यार ये लहरें बहुत तेज, आगे 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 सी। ये वेरी नाइस, देखो आप लहरें चेक मारो, बहुत ही प्यारा है, बहुत भीड़ है इधर। वाओ, लहरें बहुत प्यारी आ रही है यार, बहुत प्यारी, सब पागल हो रहे हैं अंदर नाके, बहुत बढ़िया। अगेन आ रही है, टक 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 टक, ये आ गई बहुत तेज लहर आ रही है, बहुत तेज।
उतर गए हैं विकासी दीदी, कैसा हो रहा है? मजा आ रहा है? यो बै तू मच एंजॉय। और जीजू डीजे है ये? आर यू डीजे? डीजे मतलब दिनेश जीजू इज नॉट डीजे, अपन वाले जीजू। हमारे पास एमजे भी है मनीष जीजू। ये देखिए भाई कितना सुंदर बीच है, वागाटर बीच टेम्पल बना हुआ है यहाँ पे। काफी सारे देखो ऐसे ये है वागाटर बीच और हम यहाँ पे नहाएंगे। वागाटर बीच कितना ब्यूटीफुल है ये भी। यहाँ पे ना इस समय अभी हम आए सितंबर में आए हैं तो वेव्स काफी हैवी है, यहाँ पे अलाउड नहीं करते नहाना धोना। यहाँ पे तो खैर अभी इतना गाड़ी घूम रही है, यहाँ पे हम जा रहे हैं हर जगह मना कर देते जाना नहीं। आप खुद देखो वेव की तेज है ना, बहुत दूर पड़ी हुई समय फिर भी आप देखो। हेलो गाइस, हम आ गए हैं अब अंजुना बीच। हम है अंजुना बीच पे, देखो भैया क्या ही नजारा है। मैं क्या बताऊँ इस ब्यूटी के बारे में जो ऑलरेडी इतना ब्यूटीफुल है। देखिए आप बिल्कुल एक नंबर, कतई जहर एक नंबर भाई, मजा आ रहा बिल्कुल। गोवा को एक बार तो जरूर बनता है, ये समुन्द्र के जो नजारे हैं वो देखने बनते हैं। आइए नजारे देखिए और जिंदगी के मजे लीजिए। हमारा डे वन का लास्ट बागा बीच जो हम रात को कल गए भी थे, आज देखते हैं शाम का नज़ारा बागा बीच का नज़ारा। और बागा बीच के हमारा नियर होटल है, अराउंड 900 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर सिंपली लैंग्वेज में। तो देखते हैं बागा बीच। बागा बीच भाई यहाँ पे मौसम बहुत तगड़े में बन रहा है, अब यकीन नहीं मानोगे इस समय सिर्फ 6:30 हो रहा है और 6:30 पे देखो आप कितना प्यारा मौसम बना हुआ। बादल बहुत घने हो रहे हैं, हल्की 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 बारिश भी हो रही है, बहुत बहुत मतलब क्लियर हो रही है इस समय। तो अभी जिस तरह से बादल घने हो रहे हैं काफ़ी मतलब लग रहा है आ ही जाएगी बारिश। बागा बीच